जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वह भारत में लागू हो चुका है। 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने देश में CAA लागू कर दिया है। किसी दिन भी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है, लेकिन चुनाव के पहले सरकार ने CAA को लागू कर दिया। एनआरसी भी लागू होगा और इसके प्रति आपको जागरूक रहना है कि एनआरसी को लेकर क्या दस्तावेज होने चाहिए, एनआरसी क्या है, सीए से इसका क्या संबंध है, इस पर मैं आज आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, EMT टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 11 मार्च को भारत सरकार ने लागू कर दिया है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम धार्मिक रूप से प्रताड़ित नागरिक, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, पारसी धर्म का हो, वो अगर भारत में आता है, शरण लेता है, तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। पहले ये नियम था कि यदि कोई विदेशी हो, वो भारत में 11 साल तक अगर रहता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन CAA के तहत इसकी जो वर्ष की संख्या वो घटाकर 6 साल कर दी गई है। अब इसके पीछे तर्क दिया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम समाज के लोगों को क्यों नहीं लिया गया। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल कंट्री है, इस्लामिक देश है, वहाँ धर्म के आधार पर किसी मुस्लिम के साथ जाति नहीं हो सकती है, इसलिए भारत ने CAA के तहत उनको जो है अपने में शामिल नहीं किया। यही हाल बांग्लादेश के लिए भी है और यही पैमाना जो है वो अफगानिस्तान के लिए लागू किया गया। लेकिन CAA लागू होने के बाद NRC की बात आती है, जो NRC हिंदुस्तान में कभी भी लागू हो सकता है या किया जाएगा। अभी तो CAA को लागू किया गया, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक है, इसको जो है इसका विरोध भी आसाम में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, कई राज्यों में देश के हो रहा है और देश जो है पूरा रेड अलर्ट पर है। NRC का भी विरोध हुआ था, NRC का जबरदस्त विरोध हुआ था, CAA का जबरदस्त विरोध हुआ था, लेकिन सरकार ने, बहुमत की सरकार थी, इसने सदन में पास कराया और CAA को लागू किया। अब NRC की बारी है। हम आपको बता दें कि जैसे जनगणना, आप सभी को पता है कि 2011 में जनगणना हुई थी, उसके 10 साल बाद यानी कि 2021 में पुनः जनगणना होनी थी, लेकिन 2024 चल रहा है और जनगणना अभी तक नहीं हुई है। जनगणना होने के पहले एक जो है रजिस्टर तैयार किया जाता है, जिसको NRP बोलते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जाते हैं, नेशनल रजिस्टर फॉर पॉपुलेशन तैयार किया जाता है, लेकिन अब उसकी जगह जो है NRC लेने जा रहा है। NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की ज़रूरत क्या पड़ी और ये कैसे शुरुआत हुआ था। लेकिन आप सोचिए कि चुनाव के समय ये सब चीज़ें याद आ रही। मैं आपको बता दूं कि 1946 में भारत सरकार द्वारा 1946 के विदेशी अधिनियम द्वारा संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के अनुसार गैर कानूनी अप्रवासियों की पहचान को बताने के लिए कि कौन से अप्रवासी जो है वो गैर कानूनी तरह से रह रहे हैं और उन्हें निर्वासित करने का एक प्रयास था। भारत सरकार जो है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR जिसको बोलते हैं, NPR बनाने का इरादा रखता है, जिसमें नागरिकों की जनसंख्यीय और बायोमेट्रिक जानकारी शामिल हो। ये NPR तो हर जनगणना के पहले जो है ये बनाया जाता है, ये नियम है, और 2021 के जनगणना के लिए बनाया जाना था, लेकिन 21 में कोरोना और आदि की वजह से जनगणना तो नहीं हुई, अभी तक जनगणना नहीं हुई। चलिए हम NRC के बारे में बात करते हैं। हमें लगता है कि NPR की जगह अब NRC लेगा। NRC की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले आप इसे जानिए। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग आसाम से पूर्व पाकिस्तान चले गए, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, लेकिन उनकी जो जमीनें थी वो आसाम में थी, जो भारत में है वहां पर उनकी जमीनें थी।
अब उनका बांग्लादेश से भी जो है, यानी पूर्वी पाकिस्तान तब था, पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आना जाना रहता था। बंटवारे के बाद भी वो लोग भाई उनकी जमीन यहाँ थी तो वहाँ चले गए थे, जनसंख्या पूर्वी पाकिस्तान चली गई और जमीन जो है वो भारत में रह गया, तो उनका आना जाना जो है वो जारी रहा। जिसके तहत 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया था आसाम में। जब 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके बाद बांग्लादेश से भारी संख्या में शरणार्थी आए। जब वो आए तो आसाम की आबादी जो है वो थोड़ा सा बढ़ने लगी, मतलब आबादी का स्वरूप बदलने लगा। 80 के दशक में आसाम में एक संगठन हुआ, छात्रों का संगठन हुआ, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। सबसे पहले आसाम में अवैध प्रवासी जो रह रहे थे उनकी पहचान करने के लिए आवाज उठाई और इनको वापस भेजा जाए क्योंकि ये लोग जो है यहाँ रह नहीं सकते हैं। आसू जिसको कहते थे आसाम, इसने 6 साल तक संघर्ष किया और 1980 में आसाम समझौते पर हस्ताक्षर किए। आसाम समझौता 15 अगस्त 1985 को आल असम स्टूडेंट यूनियन और दूसरे संगठनों और भारत सरकार के बीच हुआ, जिसे आसाम समझौते के नाम से जिसको हम जानते हैं। आसाम समझौते का क्या मसौदा था हम आपको उसे बताते हैं। उसमें ये कहा गया कि आसाम समझौते के अनुसार कि 25 मार्च याद रखे तारीख 25 मार्च 1971 के बाद आसाम में प्रवेश करने वाले हिंदू मुसलमानों की पहचान की जानी चाहिए थी और उनको जो है यानी कि 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हैं उनको आसाम से बाहर किया जाना चाहिए था क्योंकि बांग्लादेश तब तक बन चुका था। इस समझौते के तहत 1961 से 1971 के बीच आसाम आने वाले लोगों की नागरिकता तथा अन्य अधिकार दिए गए लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इसके अंतर्गत आसाम के आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज भी दिया गया। साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि असमिया भाषी लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की सुरक्षा के लिए विशेष कानून और प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे। किया गया। हम लोग बात करते हैं एनआरसी के बारे में। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसे एनआरसी के रूप में संक्षिप्त किया गया है, वास्तविक निवासियों की पहचान करने और बांग्लादेश की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्य में जो अवैध रूप से रह रहे थे उनको निकालने के लिए स्थापित असमिया निवासियों की एक सूची है। अब तक यह जातीय विविधता को संरक्षित करने के लिए एक राज्य विशिष्ट प्रयास रहा है, हालांकि इसकी स्थापना के बाद से इसकी देश भर में लागू करने की मांग बढ़ रही है। अब देखिए, एनआरसी पहले तो आसाम में लागू हुआ। आसाम में लागू होने के बाद इसकी मांग ये हुई कि पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए। एनआरसी के लिए सरकार ने लागू करने के लिए नियम भी बनाए हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मूल रूप से कानून बनाने का प्रस्ताव करता है एनआरसी, जो सरकार को भारत में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करने, उन्हें कैद करने और उन्हें उनके गृह देश में वापस भेजने की अनुमति देता है। एनआरसी को आसाम और अन्य पूर्वी राज्यों की सुरक्षा और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है। इसी तरह यह प्रस्ताव है कि एक राष्ट्रीय एनआरसी स्थापित किया जाए जो पूरे देश में लागू हो। यदि इस तरह के रिकॉर्ड की आवश्यकता है और क्या राष्ट्रीय स्तर पर इसका अनुकरण किया जा सकता है तो इसका व्यापक मूल्यांकन किया जाना भी बहुत जरूरी है। अब हम आपको आसाम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि कौन इसमें पात्र है और किन किन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। इसमें सबसे पहली शर्त यह है कि 24 मार्च 1971 की मध्यरात्रि से पहले जिनका नाम 1972 एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या किसी मतदाता सूची में शामिल हुआ है वे पात्र हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार विदेशी पंजीकरण क्षेत्रीय अधिकारी में खुद को पंजीकृत करा लिया है और उन्हें किसी भी सरकार द्वारा अवैध या विदेशी नहीं माना जाता है वे लोग पात्र हैं। कोई भी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आया हो वो जो है नागरिक रजिस्टर में शामिल होगा।
जो मूल असमिया निवासी हैं, साथ ही उनकी संतान और वंशज जो भारत के नागरिक हैं, यदि उनकी नागरिकता पंजीकरण अधिकारियों द्वारा वंचित संदेश से परे साबित हो जाती है, वे नहीं होंगे शामिल। वे व्यक्ति जो 24 मार्च 1971 के मध्य रात्रि तक जारी नागरिकता के लिए पात्र दस्तावेजों की सूची में शामिल कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं, वे रजिस्टर में शामिल होंगे। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची से बाहर हुए लोगों का क्या होगा? मान लिया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सूची में नहीं आ पाया, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना है आसाम में, फॉरनर्स ट्रिब्यूनल, जो लोग अंतिम कटौती नहीं करेंगे, जो लोग नहीं आ पाएंगे राष्ट्रीय रजिस्टर में आसाम में, उनको ट्रिब्यूनल में जाना होगा, उनको ट्रिब्यूनल में जाना होगा। और अब नेक्स्ट 1983 में किया गया था, तपस्वियों के लिए ट्रिब्यूनल धारण किया गया था, उसमें उनको जाना होगा। तब से अदालतों द्वारा कानून को बदल दिया गया है, लेकिन न्यायाधिकरण का अस्तित्व जारी है, या आकलन करने के कर्तव्य के साथ कि जिन लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है वे विदेशी हैं, जिन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए, यह एक आम धारणा है। सरकार के अनुसार उस व्यक्ति को तुरंत विदेशी नहीं करेगा जिसका नाम एनआरसी में नहीं है। ऐसा नहीं कि एनआरसी में नाम नहीं आया तो साहब वो विदेशी हो गया, ऐसे व्यक्ति विदेशियों के लिए अदालतों में अपना पक्ष रख सकेंगे जो ट्रिब्यूनल है। अगर कोई व्यक्ति ट्रिब्यूनल में केस हार जाता है तो हाई कोर्ट जाए, और हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, अपने यहाँ तो वो है सुप्रीम कोर्ट है। असम के मामले में राज्य प्रशासन ने कहा कि किसी को तब तक कैद नहीं किया जाएगा जब तक कि विदेशी न्यायाधिकरण। अब सवाल ये उठता है कि एनआरसी को पूरे देश में लागू करने से क्या लाभ होगा? देखिए, आसाम में तो इसलिए लागू किया गया कि यह पता लगे कि जो है कितने शरणार्थी बांग्लादेश से आए, कितने बांग्लादेशी आसाम में है या पूर्वोत्तर के राज्यों में है, है ना, इसलिए कि ताकि वो विदेशी हैं तो उनको भेजा जा सके, ये सब चीजों की वजह से किया गया। लेकिन देश के अन्य राज्यों में ये मांग होने लगी कि साहब हर राज्यों में लगभग विदेशी हैं, हर राज्यों में लगभग ऐसे लोग हैं जिन जो दूसरे देश के नागरिक हैं और यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। तो एक तरीके से जब राष्ट्रीय रजिस्टर जो है वो एनआरसी का जो है अगर रजिस्टर बनता है, सिटीजनशिप का रजिस्टर बनता है, तो उसके लाभ हैं, उसके लाभ ये हैं कि एक डाटा तैयार हो जाएगा कि भारत में कितने लोग हैं, कितने लोग भारत के नागरिक हैं। और केंद्र जो है इस पर घोषणा भी कर चुका है कि एक एनआरसी जो है वो बनाई जाएगी जो पूरे देश स्तर पे लागू होगी। इस एनआरसी का यह मसौदा है। चलिए, आसाम की बात तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अगर ये परियोजना पूरे देश में लागू होती है, पूरे देश में एनआरसी लागू होती है, तो किस चीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी? यानी कितने लोग बाहर से आए हैं और भारत में रह रहे हैं? एनआरसी लागू करने के पीछे ये है कि भाई अवैध काम जो करेंगे उस पर लगाम लगेगी, क्योंकि सभी सिटीजन की जानकारी रहेगी, एक डाटाबेस तैयार होगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार होगा, आतंकवादी खतरों के लिए, काले धन के लिए, इस तरीके के तमाम मुद्दों का समाधान हो सकता है अगर पता रहे कि हमारे देश में कौन अप्रवासी है, कौन बाहर का है और कौन जो है वो अंदर का है। इसलिए जो है राष्ट्रव्यापी क्या कहते हैं कि रजिस्टर बनाने की बात आई है। अब जब राष्ट्रव्यापी रजिस्टर बनेगा तो उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये भी जानना है कौन है भारतीय, भारतीय नागरिक कौन है। संविधान में भारतीय नागरिक को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है, अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, उसके माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक, चाहे माता चाहे पिता, भारत में जन्म लिया है, तो वह भारत का नागरिक होगा। भारत में संविधान लागू होने के 5 साल पहले, यानी कि 1945 के पहले से रह रहा हो कोई व्यक्ति, वह भारत का नागरिक होगा। पूरे देश में एनआरसी लागू होने पर क्या नियम है, इसके बारे में बात करता हूं। नागरिकता कानून में 2004 में हुए संशोधन के मुताबिक, नागरिकता कानून में जो 2004 में संशोधन हुआ था उसके अनुसार, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद
याद रखिए 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन या उसके बाद हुआ था, लेकिन 1 जुलाई, याद रखिए 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ हो, यानी 1950 से 1900 यार तू तो बैसा बढ़ाती जाती हूँ, कुछ अपने आप भी बोलते नहीं समझ में आता है, और नीचे करिए थोड़ा सा, बस करिए, बढ़ा दी जाएंगे थोड़ा सा, अपने आप भी कुछ बोलने दिया करिए। तो जैसा कि बताया कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के पहले, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ हो, जिसका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 को, उसके बाद या 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ हो, और जन्म के समय माता पिता भारत के नागरिक हों, वे भारतीय नागरिक कहलाएंगे। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के जन्मे लोग जिनके माता या पिता जन्म के समय भारत के नागरिक थे, वे भी भारतीय नागरिक हैं। किसी का जन्म भारत में 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद हुआ है और माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं, या उनमें से कोई एक भारत का नागरिक है तथा दूसरा जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं है, यानी कि अवैध नहीं है, प्रवास कर रहा है बाहर है लेकिन वो वैध है, या भारत में वैध है, वैध प्रवासी, ऐसे व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अब देखिए, जब एनआरसी लागू होगा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जानना जरूरी है, एनआरसी लागू होगा तो उसके लिए क्या क्या दस्तावेज पास होने चाहिए। अगर आपके पास 9 दस्तावेज हैं, कुछ दस्तावेज मैं बताऊंगा अगर हैं, तो आप जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इसमें शामिल हो सकते हैं। पहला दस्तावेज आप जान लीजिए, जमीन के दस्तावेज, जैसे बैनामा हो, भूमि का मालिकाना हक हो, इस तरीके का दस्तावेज जरूरी। राज्य के बाहर से जारी किया गया कोई स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जैसे आप किसी राज्य में रह रहे हैं, दूसरे राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया, भारत सरकार की ओर से जारी किया गया अगर पासपोर्ट भी आपके पास है तो भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में रजिस्ट्रेशन के लिए ये भी एक दस्तावेज है। और किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई लाइसेंस हो, कोई प्रमाण पत्र हो, वो भी जो है राष्ट्रीय रजिस्टर, राष्ट्रीय सिटीजनशिप ऑफ रजिस्टर में शामिल करने के लिए मान्य होगा। सरकार या सरकारी उपक्रम के तहत सेवा या नियुक्ति को प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज हो वो भी मान्य होगा। किसी भी राष्ट्रीय बैंक में या डाकखाने में कोई खाता हो, कोई भी बैंक में खाता हो या डाकखाने में खाता हो, तो उसका जो पासबुक होगा वो भी जो है मान्य होगा। और किसी सक्षम प्राधिकार की ओर से जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा जारी शिक्षण प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी मान्य होगा। न्यायिक या राजस्व अदालत की सुनवाई से जुड़ा दस्तावेज भी आपका उसमें मान्य होगा। जैसा कि आपने देखा कि कुछ 9 तरीके के डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में, आप जो है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में आपका नाम लिखा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है, जो सबसे बड़ी चुनौती ये है देश में, ये कोई धार्मिक रूप से नहीं है, जैसे सीए है, सीए में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के, उनको नागरिकता देने की बात है, लेकिन एनआरसी के तहत सभी नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, भारत में रह रहे हैं तो उनका नाम लिखना है और उनका रजिस्ट्रेशन करना है, उनका डाटा तैयार करना है। सवाल यहाँ ये उठेगा कि जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे समाज में तमाम ऐसे खानाबदोश लोग हमारे देश में रहते हैं, जो 4 महीने यहाँ रहते हैं, 4 महीने वहाँ रहते हैं, 4 महीने वहाँ रहते हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको उनके पिता की जमीनें कहाँ हैं ये नहीं पता है, वे प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि उनके पिताजी का कहाँ पर संपत्ति है, उनके पिताजी का क्या नाम है, और सारी चीज़ें। समस्या यहाँ आनी है कि इनके लिए क्या नियम है, क्या ये शरणार्थी हो जाएंगे, या इनको जो है अप्रवासी मान लेंगे, या इनको घुसपैठिया मान लेंगे, इनका क्या होगा,
समझ लीजिए कि कहा जाता है कि जो है जो अप्रवासी घोषित हुए, जिन लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं रहा उसके लिए डिटेंशन सेंटर के निर्माण की बात आती है। अब डिटेंशन सेंटर, कितने लोग जो डिटेंशन सेंटर में जाएंगे उनका क्या होगा, कितने लोग शरणार्थी बन जाएंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कोई प्रूफ करने का तरीका नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी अधिकारी कोई प्रूफ बनाएगा कि नहीं बनाएगा, या वो पक्षपात करेगा कि नहीं करेगा, इसका कोई जो है विकल्प नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में एनआरसी को लेकर एक बहुत बड़ा समाज डरा हुआ है और वो कागजों को खंगालने में लगा हुआ है कि कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए और उसको प्रूफ करना पड़े कि हाँ इतने सालों से वो हिंदुस्तान में रह रहा है, इतने सालों से भारत में रह रहा है, लेकिन एक ऐसा समय आए कि उसको प्रूफ करना पड़े और उसके पास कागज ही ना हो। जो अनपढ़ लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने कागजात को समेट के नहीं रखा है, उनका क्या होगा। तो इस तरीके से एनआरसी लागू होने पर बहुत ढेर सारी चुनौतियां हैं। हालांकि एनआरसी किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, यह सबके लिए है, भारत के हर नागरिक के लिए है। लेकिन वह भारत का नागरिक जो भारत का नागरिक तो है लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके लिए कोई भी नियम नहीं है, वह प्रवासी घोषित हो सकता है। और इसी शंका को लेकर के एनआरसी पर बड़ा आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, सरकार ने तब टाल दिया था। हालांकि बाद में एनआरसी लागू हो सकता है क्योंकि सीएए लागू हो चुका है। अब सीएए लागू हो चुका है, सीएए का अन्य राज्यों में विरोध हो रहा है। और आपको बता दें पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सीएए नहीं लागू है। सीए को लागू करना सबसे बड़ी चुनौती बंगाल और आसाम में है, लेकिन एनआरसी को भी लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं पूर्वोत्तर के राज्यों में है। और देश के राज्यों में तो नहीं लगता है कि एनआरसी का कोई बहुत बड़ा विरोध होगा या कोई बहुत बड़ा दिक्कत है। लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा यही है कि दस्तावेज कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे और उसमें क्या धांधली होगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एनआरसी को लेकर भारतीय राजनीति में चर्चा गर्म है और भारतीय समाज इससे आशंकित है। आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो।